नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसआर टुडे। मैं हूं का सिंह रावत आपके साथ। बिहार में अब छात्र एकत्रित होना शुरू हो रहे हैं क्योंकि खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। और आज एक मार्च था जिसमें छात्र ने भी अपने मुद्दे को बखूबी दिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मार्च को ऐसा क्या है जो छात्र एकत्रित हो रहे हैं। एक मार्च को बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन था और जन्मदिन का विरोध छात्रों ने बखूबी किया है। हैशटैग बिहार बेरोजगार दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया। आज तो ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंड भी होने लगा था। नंबर 6 पे यह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था जिसका हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। बखूबी आप इस चीज़ को भी समझ रहे होंगे कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में दिया गया है कि मगध यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रही है छात्रों का भविष्य। तो आखिर नीतीश कुमार और हैशटैग बेरोजगार दिवस से क्या मतलब? बेरोजगार दिवस यानी कि छात्र ही इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं और ख़राब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है। चाहे आवाज़ लेफ्ट पार्टी उठाए या फिर आपके युवा छात्र नेता दिलीप कुमार उठाएं, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे में एक खबर आपको बता रहे हैं जो आपको चौंका देगी कि किस प्रकार से मगध यूनिवर्सिटी छात्रों का भविष्य के साथ खेल रही है। ये खबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए एएमएस को इसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि 2016 से 19 के साथ छात्र को भी पार्ट 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि 5 वर्षीय योजना के तहत छात्र अब जा रहे हैं। जो 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी चाहिए वहाँ अब 5 साल बाद भी नहीं मिल पा रहा है। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, 2016 से 19 का सत्र था, तो आप समझ सकते हैं 19 या में भी रिजल्ट नहीं मिला, 20 में भी नहीं मिला, अब 21 में भी अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। हाल में ही 2017 से 20 के छात्रों का भी परिणाम पार्ट 3 का जारी हुआ जिसमें कई छात्रों का रिजल्ट तो आ गया लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग बता रहा है, यानी कि उसका भी रिजल्ट अभी तक सही से जारी नहीं हो सका है। तो ऐसे में अब छात्रों के जो जहन में जो सवाल ये उठ रहा है कि हमारे भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी लगातार खिलवाड़ भी कर रही है, तो ये आप उदाहरण समझ सकते हैं किस प्रकार से 16 से 19 के कुछ छात्रों का भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये मगध यूनिवर्सिटी छात्रों का भविष्य बना नहीं रही है, इस चीज़ को आप बखूबी समझ रहे होंगे। आपको बता दें JPSC में आवेदन करने के लिए लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और छात्र अब बेचैन हो रहे हैं कि JPSC के जो आवेदन है उसमें क्या हम योग्य रह सकेंगे, क्योंकि हमारा तो पार्ट 3 का परीक्षा भी हुआ है, हमने पास भी किया, हमारा परीक्षा भी अच्छा गया, लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं है। जो कि रिजल्ट की अगर देखें तो 17 से 20 के मुताबिक 2020 में ही रिजल्ट आने चाहिए थे, लेकिन परीक्षा होने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कोरोना काल के बाद अगर परीक्षा लिया जाए और छात्र परीक्षा में शामिल हो और अधिक छात्रों का रिजल्ट आया, कुछ छात्रों का रिजल्ट नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं उन छात्रों पर क्या बीत रही होगी। तो उनका भी एक अभी सपना ही होगा कि काश हम भी JPSC के बहाली जो आई है, झारखंड PCS में जो आवेदन देने हैं उसमें हम भी शामिल हो पाते। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी तो हालांकि अपने स्तर से ये सफाई देने में जुटी है कि हम छात्रों के हित के लिए खड़े हैं और हम जैसे ही हार्ड कॉपी आ गया वैसे ही छात्रों की समस्या धीरे धीरे से दूर शुरू कर देंगे करना। लेकिन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के भी यार बिहार में अब लगातार एकजुटता सामने आ रही है छात्रों का। और आज भी पटना में भी प्रोटेस्ट किया गया, उसके पहले भी कई बार आंदोलन करने के लिए शुरुआत की गई है, सोशल मीडिया के जरिए भी आज हैशटैग बिहार बेरोजगार दिवस मनाया गया। तो इस बात से अब साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भविष्य बर्बाद कर रही है अलग अलग संस्थाएँ वो अब छात्रों के साथ ज़्यादा दिन तक बर्बाद नहीं कर सकेगी और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे थे किस प्रकार से मगध यूनिवर्सिटी का रवैया रह रहा है और आप तमाम चीज़ों को समझिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी कोई एकजुट हो सके। जब भी कभी आपको आवाज़ उठानी हो यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ तो आप एकजुट होकर के आवाज़ उठा सके, क्योंकि एकता में ही बल होता है। और हम आपके लगातार अलग अलग प्रकार के जो भी मुद्दे होते हैं उसको अपने चैनल के जरिए आपको दिखाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी मदद कीजिए। मदद करने के लिए आपको वीडियो के नीचे आपको ये दिख रहा होगा स्क्रॉल पट्टी में कि आपको फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का नंबर दिया गया है। बखूबी आप डिजिटल होंगे और आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जरूर चलाते होंगे, तो इस प्रकार से मदद करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और लगातार हम इन मुद्दों को उठाए हैं तो आगे भी आपके लिए उठाते रहेंगे और जो भी समस्या होगा चाहे यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती हो वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कैसे 2016 से 19 के साथ छात्रों का भी परिणाम नहीं जारी हो सका है कुछ छात्रों का, तो ऐसे में कहीं आपके भी साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे चैनल को आर्थिक मदद आप अवश्य करें ताकि आपके लिए लगातार और भी हम प्रमुखता के साथ खबरें
अपने चैनल के जरिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।